मुद्दों ने अपने इश्यू विस्तारपूर्वक रखे थे, लेकिन कोई इसका रिजल्ट नहीं मिल पाया है। हालांकि जो है ये इश्यू जो है बिहार सरकार से संबंधित है मुख्य तौर पर, क्योंकि ये बिहार के एक एक्ट बना हुआ था, बीटीएससी एक्ट। तो इसके संदर्भ में अभी जो आकाश लामा जी ने इससे पहले भी हमारे बहुत प्रतिनिधिगण ने एप्लीकेशन दिए थे, जिसके मद्देनजर आपके आज्ञा अनुसार हमने वो इश्यू बिहार के जो है चीफ मिनिस्टर को भी लिखे थे और उनका रिप्लाई भी आया था। तो उसी सिलसिले में ये डेलीगेशन आपसे मिलने आए हैं सर, बहुत ही एक उम्मीद लेकर आए हैं। आपके आशीर्वाद से जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा ये सोच के। तो बाकी आप लोग स्वयं सर के सामने आप अपना इश्यू रख सकते हैं। सर बताया, नमस्कार सर। मैं आकाश लामा हूँ, मैं ऑल इंडिया ब्रिटिश कर आप इसको ऑन कर सकते हैं जी। इधर को आपने मुंह की तरफ बोल दिया। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एक संगठन है, हम इसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रयास से हम लोग बोधगया में मीटिंग 22 अप्रैल में 2023 को बीटीएमसी मुद्दे लेकर हम काफी दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिर 25 जून में भी हम लोग ने मीटिंग की थी 2023 ऑनरेबल हमारे बुद्धिस्ट मेंबर नामो जी भी आई थी बोधगया। वहाँ के जो कमेटी है बीटीएमसी एक्ट 1949 जो कानून है उसके आधार पर 4 बोर्ड ही है मेंबर, 9 में से एक तो वहाँ के डीम रहते हैं। पहले प्रावधान थे कि डीम शुड बी अदर रिलीजन दैट इज हिंदू, आई वांट टू नेम द रिलीजन, बट स्टिल दैट तो 8 मेंबर में से 4 बौद्ध और 4 अन्य धर्म के। तो हमारा कहना है जितने भी धर्म स्थल है, मस्जिद हो या गिरजाघर हो या आपकी कोई गोल्डन टेम्पल जो हमारे गुरुद्वारा हो या अपने वही कमेटी में वही रहते हैं, वही धर्म के रहते हैं, तो बोधगया में क्यों 4 मेंबर। तो हमारा यही मांग है कि संपूर्ण रूप से बोधगया का जो कमेटी है इसमें बौद्ध हो, ये हमारी मांग है। इसको लेकर हम लोग ने काफ़ी सारा मीटिंग भी की। 26 नवंबर को शांति रैली हम लोग ने आयोजन की बोधगया में, एकदम शांति प्रिय से कोई चैंटिंग की और हाथ में प्ले कार्ड करके हम लोग 22 राज्यों लगभग 25 राज्यों से 50,000 से ज़्यादा लोग आए थे। यहाँ पर जैसे लद्दाख से ले लद्दाख से आए हुए हैं हमारे डॉक्टर कुंचुक श्रीन कुंचुक जी हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से, लद्दाख से, हरियाणा से, महाराष्ट्र, सभी राज्यों से काफ़ी मात्रा में लोग आते अपना मान रखे, डीएम को मेमोरेंडम दिए थे। और इसी सिलसिले में हम लोग अपने रणनीति के लिए हम लोग दिल्ली में भी एक सभा की थी और आपसे भी एक मेमोरेंडम आपको भी करने के लिए हमारे ऑनरेबल मेंबर के मार्फत हम लोग रिक्वेस्ट किए थे चेयरमैनशिप आईटी के चेयरमैनशिप मिल के उसमें चर्चा किस प्रकार को हम आशा पे आशा रखते हैं। हमारे अध्यक्ष जम्बुल लामा जी हैं यहाँ पर और बीटीएमसी ने रह चुके अपने जो 4 मेंबर में जो सेक्रेटरी थे हमारे भंते प्रगतिशील वहाँ पर सेक्रेटरी रह चुके, उनके एक्सपीरियंस वहाँ के, तो काफ़ी हम लोग कोशिश कर रहे हैं शांतिप्रिय। और जो प्रेजेंट सरकार है केंद्र में, हम उनसे आशा बहुत आशा रखते हैं। जो बोर्ड के जो हमारी जो करुणा मैत्री शांति के जो हम प्रतीक है, हम लोग जिसमें विश्वास रखते हैं, सरकार के ऊपर हमारी भरोसा है कि हमारी रिक्वेस्ट सुना जाए तो आपसे निवेदन करने के लिए आएगा। और
ऐसा है सर कि उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारे मामले हम लोग आपके सामने रखते रहे हैं। नया सागर बौद्ध है, एक्शन कमेटी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, उसमें उत्तर प्रदेश की ओर से कोई बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अभी तक कोई अपॉइंट नहीं किया गया है। माइनॉरिटी कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश जी, एक तो ये विषय है, लिखा है आपने कई बार चिट्ठियाँ लिखा है। दूसरा विषय है कि वहाँ की बहुत सारी सर्टिफिकेट बनाने के ऊपर वित्त विभाग निगम के द्वारा कल्याण से जो पैसा मिलता है, हमारे यहाँ कई लोगों को इश्यू किया गया, बाद में बंद कर दिया गया और हायर स्टडी के लिए। और ये मुद्दे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है कि हम बौद्ध प्रमाण पत्र बनावे, हम अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनावे, हमारे पास कोई गवर्नमेंट का डायरेक्शन नहीं है, कोई लेटर नहीं है, हम कैसे बनावे। फिर कभी कभी ये कहते हैं कि तुम तो सिद्धू कास्ट हो, तुम तो ऐसे हो, तो आप बुद्धिस्ट कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पिताजी तो ये थे, उनके पिताजी 50 साल पहले थे, तो आज की दुनिया इतनी बदल गई है, हम बुद्धिस्ट हैं और हलफनामा हम दे रहे हैं। तो ये तो हमारा है कि हम आज कल क्या अनुसार रिलीजन अडॉप्ट करें, किसको फॉलो करें, तो ये समस्या है। तो ये सर इसमें मैं चाहता हूँ एक मीटिंग लखनऊ में अरेंज किया जाए और अपने यहाँ से कोई मेंबर या मैं, और सजादी जी साहब गई थी तो उन्होंने कहा हम 3 महीने फिर दौरा करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है, अभी तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ एक बार आगे प्रोग्राम बना करके 1-2 महीने 4 महीने में एक उनके अधिकारियों के बीच में कमीशन के बीच में बैठ करके कि इनकी समस्याओं को निवारण क्यों करते हैं, क्यों निवारण नहीं हो रहा है। अब वो कह रहे कि हमारा कोई मेंबर तो वहाँ है नहीं जिससे हम कुछ कह सकें। बेहतर है इसको आप रख लीजिए सर। आज ये मीटिंग है सर, तमाम राज्यों से बिल्कुल पौधों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। और यह एक बड़ा खुशी का मौका है कि चौथा कमीशन 2003 से 2006 का था, उसके बीच 2004 में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष सरदार सिंह जी थे और उन्होंने अंबेडकर भवन पे भी आकर के और बहुत बार जगह जगह आकर के बुद्ध गया के इशू को लेकर के काफी सहयोग किया, काफी चर्चा की। उस समय हमारे भंते आर्य नागर जी सुरेंद्र सोसाइटी मेंबर थे, बुद्धिस्ट मेंबर थे यहाँ पर। तो उस समय बहुत काफी 50 लोगों का डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें काफी चर्चा हुई थी बुद्ध गया को लेकर के और बौद्धों की जनसंख्या को लेकर के। तो हमारे देश में बौद्धों की जनसंख्या सरकार ने कभी भी अच्छे से लिखी नहीं है, पेंसिल से लिखते थे पहले और जानबूझ करके उनको हिंदू बताया गया, इसलिए बौद्धों की जनसंख्या जो है 5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सरकार ने कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा दिखाया नहीं। तो ये तो बौद्धों की जनसंख्या का मामला है। और बुद्धगया का जो महाबोधि विहार है जो दुनिया के बौद्धों का केंद्र स्थान है, तो वो इतना बड़ा अन्याय है कि जैसे गुरुद्वारे में संचालन सिख लोग सिख भाई लोग करते हैं, मुस्लिम लोग अपने जगह करते हैं, लेकिन बुद्धगया का महाबोधि विहार है उसका संचालन बौद्धों के हाथों में नहीं है। ये हम तमाम दुनिया के बौद्धों के लिए बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है। तो यही एक हमारा मुख्य मुद्दा है। वहां एक हिंदू भी नाम टेंपल है साथ में गया में, जहाँ वो पिंड वो विष्णु गया में टेंपल है, ये बुद्ध गया में है महाबोधि विहार। नहीं महाबोधि विहार में उसमें डिस्प्यूट जो बना के रखा है कि बुद्ध के सामने ने एक चौकट लकड़ी का डाल रखा है, बोले इसको देख करके बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको ये लोग शिवलिंग बताते थे। अच्छा नहीं, वो एक ऐसा है कि वहाँ एक सरोवर भी है पास में, बिल्कुल ही वो तो है वहां जाके वो पिंडदान करते हैं। ये सब जबरन वहां पर एक परिपाटी डाल रखी है, इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए, जो टेंपल एक्ट है वो उसको उसको बदल दिया जाए। ये कब्जा होने के बाद तो बहुत कुछ वो लोग कर रहे थे, हमारे पास ही नहीं तो सर जी 49 मतलब मर्जी से करते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो कुछ भी करते कुछ भी करता। कुछ चीजें तो हमें बैठ के डिस्कस करनी पड़ी जी, ठीक है, क्योंकि गया में पिंड छोड़ना अच्छी बात नहीं है। नहीं अच्छी या बुरी बात नहीं है, ये हजारों सालों से है, लेकिन हमारे कैंपस में क्यों करते हैं सर बाहर? नहीं, मेरी बात तो मैं भी तो बात ही कर रहा हूँ
क्योंकि पंजाब में भी एक कहावत थी, गया गया सो गया। जो लोग वहां से पिंड दान करने के लिए गए आते थे तो लगता था कि अब वापस ले जाएंगे। ये बात हमें माननी पड़ेगी सभी लोगों को, खास करके चार धर्मों को, सनातन, जैन, बौद्ध और सिख की मां एक है। हम इस धरती के हैं, धरती हमारी मां है और आकाश भी यही कहा हमें, जो इसी से हमें सांस लेते हैं, इसी के नीचे रहते हैं। तो बेसिकली वी आर फ्रॉम द सेम कल्चर। थोड़ा बहुत समय समय के साथ बदलाव आया, हमारा जो बेसिक कल्चर है ना चारों धर्मों का एक है, इसीलिए आर्टिकल 25 में भी हमें इसी से कवर किया। जो हमारे से बुजुर्ग थे पहले थे, जिन्होंने सोचा नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले नहीं थे। अब क्या हो रहा है, अब इन द लाइट ऑफ न्यू जो अब्राहम रिलीजन है, उनका अपना जो है ज्यूस इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनका अपना अपना एक ही जन्म स्थान है, एक ही तरह की सत्ता है, एक ही तरह का मोस्ट्री को सोशिया बोलते हैं, कोई इसको हलाल बोल देता है, लेकिन हमारी इंडियन जो डोमिनेंट की सभ्यता है वो हम सभी एक तरह से मिलके करते हैं, हमारा अपना किस्म का है। अब हम मिलके रहे और आगे बढ़े, क्योंकि जब अशोक ने, मैं तो अभी उड़ीसा हम जाके आए थे, मैडम भी मेरे साथ थे, तो वहां कलिंगा का युद्ध वही हुआ और वहीं से अशोक ने बुद्ध धर्म को बनाया और अशोक का बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में चला गया, जापान में चला गया, चीन में चला गया, बर्मा में या आपका श्रीलंका में चला गया, बहुत सारे देशों में है, लेकिन किसी कारण इंडिया में वो इतना शक्तिशाली नहीं रहा। क्योंकि जब से फॉरेन के लोग आए तो हर आदमी अपनी कोशिश करता है कि मेरा धर्म ही अच्छा है, मेरा वो अच्छा है। बेसिकली भी फोर रिलीजन्स आर फ्रॉम दिस अर्थ, ओरिजिन हमारा यहाँ है, भगवान बुद्ध भी यहाँ हुए और गुरु नानक भी यहीं हुए, कृष्ण भी यहीं हुए, अभी राम लीला की भी हम ये राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, वो भी अयोध्या और नेपाल कोई दूर नहीं है, वो भी कहते हैं बिल्कुल पास पास है। तो ऐसा कोई फार्मूला हो जिसमें हम सभी लोग मिलके बैठे, आप हर धर्म को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हर धर्म स्थान और हर धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो सम्मान योग है। बुद्ध का धर्म ग्रंथ, अभी पीछे चले थी मैडम के पाली भाषा का एजुकेशन के लिए हमने वो केस टेकअप किया है कि ये पढ़ाई जाए, होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए, क्योंकि दिस वॉज एन इम्प्रूवमेंट। हिंदुइज्म में जब कुरीतियां कुछ आई तो जैन धर्म वालों ने अपने ढंग से उसको कोशिश की, फिर बुद्ध आए, बुद्ध ने अपने ढंग से कोशिश की, फिर सिख आए, उन्होंने अपने ढंग से कोशिश की। बेसिकली इट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन दीज फोर रिलीजन्स। बाकी बाहर के लोग तो ज्यादा जो है वो यहाँ नहीं है, दूसरे धर्म वाले तो लेकिन ये आपस में टकराव ना हो और आगे भी बढ़े, इसका हल हमें देखो। मैंने जब क्योंकि मैं बुद्ध गया हूं बहुत पुराना, तो मैं ऐसा समझना चाहता था कि हम उस, अगर वो इशू ना हो, मुझे मालूम नहीं है कि दे हैव टेकन दैट इशू इनटू कंसीडरेशन, क्योंकि मेरा पर्सनल नॉलेज है इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। तो उसका हम प्रधानमंत्री जी से टेकअप करते हैं। हम वैसे ही एक स्टडी कर रहे थे कि वो आई रिप्रेजेंट यू ऑल, मैं तो जैन भी हूँ, बौद्ध भी हूँ, सिख भी हूँ, इस्लाम को मानने वाला भी हूँ, जो क्रिश्चियन भी हूँ, पारसी भी हूँ, मैं तो अब सबका आदमी हूँ, मेरे लिए तो अब सब एक समान है। तो इसमें हम स्टडी कर रहे थे कि जो सभी धर्मों की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाए इंडिया में, फिर प्रधानमंत्री जी से बात की जाए उसका हम कैसे हल निकाल सकते। कुछ हाल तो हमने निकालने हैं जो हम एक दूसरे से टक्कर लेते हैं, कुछ हाल सरकार ने निकालने हैं,
हम पीछे दलाई लामा जी को भी ओली दलाई लामा जी को भी हम मिले थे, मैडम रिचल लामा भी साथ थे, कि सिक्किम में एक जगह है तो उसमें गुरुद्वारा था दावा, जिस जगह वो गुरुद्वारा है वो फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट के अलावा वो बॉर्डर पे है, राइट ऑन द इंडियन बॉर्डर। तो मेरे ख्याल पिछले 50 साल से गुरुद्वारा चल रहा था, अब किसी ने कहा कि नहीं ये गुरुद्वारे की जगह नहीं है, तो ये तो अपने दूसरे लामा वहां आए थे इसलिए यह गुरुद्वारा इसको गिराना चाहिए, वो गुरुद्वारा गिर गया तो हाई कोर्ट में चला गया, जैसे आप भी है कोर्ट का डिसीजन हुआ गवर्नमेंट फैसला करे, तो हमने गवर्नमेंट को भी कहा कि यार ये जंगल है इसमें एक दो बना लो, बुद्ध मंदिर भी बन जाए और गुरुद्वारा भी बन जाए, जाना तो किसी ने है नहीं क्योंकि कब्जा तो फौज का है। वो बाद में ऐसा चर्चा हुई कि शायद चाइना नहीं चाहता कि इनका हो, और जिस जहां सिख ही नहीं है फौजियों ने गुरुद्वारा बना दिया, इतिहास खोज के यहां गुरु नानक जगह जगह गए और गुरु नानक को गुरु नानक लामा के रूप में भी बुद्ध लोग याद करते हैं जहां जहां हो गए। तो अब तो बात तो कुछ नहीं है, एक लामा को छोड़ के दूसरे लामा की बात, तो दोनों ही बन जाए उसमें क्या होगा। तो जिसने जाना है पूजा करे अपने ढंग से करे, बात खत्म हो जाए। अब इसका भी गया में हम आपके साथ चलते हैं, वहां की सरकार से भी बात करेंगे, लेट अस फाइंड एन एमिकेबल सॉल्यूशन। बुद्ध धर्म के स्थानों का जो प्रबंध है वो तो बोधियों के पास ही होता है, जैसे हिंदुस्तान में सिख गुरुद्वारों का प्रबंध SCPC के पास है या और कमेटियां सिखों की है, इस्लाम का भी वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसके सभी सदस्य इस्लाम मुस्लिम ही होते हैं, ऐसे ही चर्चेस का है, तो वो का क्यों ना हो, दिस इज वन इशू। ये हमारी भारतीय सभ्यता है, बुद्ध हमारी सभ्यता के प्रतीक है, हमारी शान है, ठीक है कि नहीं। अगर कोई आदमी चाइना में बैठा है या जापान में बैठा है बुद्ध धर्म को मानता है, वो हमारी तरफ देखता है और यहाँ ही आया करते थे पढ़ने के लिए, जितने यात्री चीन से आए यही आए, हमारे लोग तो चीन नहीं गए, उनको अच्छा लगा अपना धर्म वो लेके चले गए, बुद्धों पे कम्युनिस्टों का राज हो गया, अब ना बुद्ध रहे ना कम्युनिस्ट। तो ऐसा समय के साथ बदलाव आता है, लेकिन बुद्धिज्म रिप्रेजेंट इंडियन कल्चर, बुद्ध मेरा है, बुद्ध हम सबका है, सबका, ठीक है कि नहीं। तो बुद्ध का जो ज्ञान है वो घर घर में पहुंचे, बुद्ध के धर्म स्थानों की जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उसकी रक्षा हो, जो उन्होंने मार्ग बताया है उस पर चले, तो सबके लिए जरूरी है, इसका प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए। छोटे जगह से उठे लोग दुनिया में अपने धर्म फैला रहे, हम बड़े देश के लोग थे, बड़े लोगों के मानने वाले थे, हम अपने देश में ही अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, तो इंडिया का ये अपना हमारा देश है, अपना हमारा धर्म है, बुद्ध धर्म कोई बाहर का धर्म नहीं है, बुद्ध धर्म स्थान कोई दूसरे लोगों के धर्म स्थान नहीं है, हमारे धर्म स्थान है, जैसे दूसरे धर्मों का वहां प्रबंध है धर्म स्थानों का, ऐसे बुद्ध धर्म स्थानों का प्रबंध भी वो धर्म को मानने वालों के द्वारा ही होना चाहिए। तो उसका दूसरा है कि इसका हल क्या निकाला जाए, लेट अस सेट आउट ऑफ द कोर्ट, दूसरों की भावनाएं भी हाथ ना हो,
और हमारा प्रबंध हमारे हाथ में हो, इसके लिए बैठ के बात करेंगे। कुछ चीजें जब तक टेबल पे नहीं बैठते तो बात तो होती नहीं। कोर्ट में तो वकील को जब पैसे लेने होते हैं आर्गू करना होता है, राइटली एंड रॉन्गली, एंड ही हैज टू प्रेजेंट कि मैं आपके लिए लड़ा हूं, जीता हूं या हारा हूं, इसका संबंध कोई नहीं। He has to show that he was fighting our case vigorously, जोर से लड़ रहा था। लेकिन धर्म लड़ने के लिए नहीं है, धर्म तो इकट्ठा करने के लिए है। सभी धर्मों का मान सम्मान हो, सभी लोगों का मान सम्मान हो, ये देश मजबूत हो, भाईचारा मजबूत हो, तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। इसके लिए ये तो केस हम पर्सनली विजिट मैं आ पाऊंगा बहुत गया, कोशिश करता हूँ मार्च के आसपास ही आ जाए, इलेक्शन थोड़ी देर लेट अनाउंस हुए, नहीं तो उससे पहले भी कोशिश करेंगे आपके जाके। अगर इलेक्शन अनाउंस हो भी जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, इस काम के लिए तो हम जा सकते हैं, इसका एक नथिंग टू डू विद द इलेक्शन। तो दूसरी बात यह है कि हाउ टू सिट अक्रॉस द टेबल, डिस्कस एंड फाइंड ए सोल्यूशन, इसके लिए भी काम करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके मन में कोई भी समस्या लगती है हम उसको लिस्ट आउट करें, पूरे बोध समाज की समस्या, उसके ऊपर फिर प्रधानमंत्री जी से हम चर्चा करने चाहेंगे अगले वीक। अगर आप हमें दे सकते हैं पूरे देश में जहां भी आपको लगता है कि ये समस्या है, हम लिस्ट आउट करते हैं उसको, फिर हम वी विल ट्राई टू गेट ए सोल्यूशन फ्रॉम द पेरेंट्स। ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं मिलेगा आपको। हमारे देश को भी जैसे हम भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजते हैं तो समय आएगा 23 साल बाद मोदी मूर्ति लग जाएगी। स्टेडियम तो बन गई है जी, स्टेडियम तो बन गई है, स्टेडियम तो चलो बनना चाहिए, वो तो पॉलिटिशियन के बनते हैं, लेकिन जहां वो देश को लेके गए वो तो लोग मरने के बाद ही याद करेंगे। इतने सालों में 75 साल में 70 साल में 65 साल में एक ऐसा नेता पहली बार आया जिससे रशिया भी डरता है, जिससे अमेरिका भी डरता है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है 5 नंबर पे आ गई, बल्कि अभी 4 नंबर से जर्मनी को हम पीछे छोड़ रहे हैं। ये देश है जहां अंदर भी सुरक्षित है बाहर भी सुरक्षित, ये देश है जहां हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप दैनिक अखबार भास्कर देख लीजिए तो उसमें एक डेटा दिया गया है पीछे, तो हिंदुओं ने जिताया जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो कट्टरवाद था, वो चाहते थे कि इस्लामिक देश इसको बनाया जाए, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, तो वो शेख हसीना जो लिखा उन्होंने अखबार ने के पंगे, तो उसने उसके साथ आंकड़े भी दिए कि जब 51 में मत ये हुआ सेंसस हुई तो मेजोरिटी पॉपुलेशन 22% थी, आज 9% है, 13% कहां चले। इसी तरह पाकिस्तान में 22% थी, वहां 4% है, 18% कहां चले। तो सेफ हेवन फॉर मेजोरिटीज इन कंपेरिजन टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और हम सब लोग तरक्की कर रहे हैं। आज भी किरण रिजिजू जी बैठे हैं मंत्री, हरदीप सिंह पुरी जी भी पार्लियामेंट में बैठ के रिप्रेजेंट करते हैं कैबिनेट में सिखों को, इसी तरह सभी लोगों के नुमाइंदे हैं वहां। तो ये देश हमारा है, ये देश मेरा है, ये देश हम सबका है, इसमें रह के ये दिल की बातें कहीं जिस चीज का दर्द हो, कांटा इतना सा होता है लेकिन आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है, दीवार बहुत बड़ी होती है लेकिन आदमी फाड़ के निकल जाता है। तो ये जो हमारे दिल में है, हमारे पांव में कांटा है कि मेजोरिटी ज्यादा होने की वजह से हम यहाँ कहीं हमसे इंसाफ नहीं हो रहा, दैट जो थिंकिंग एंड
मेंटल माइंड शुड चेंज, रोड रेज होती है, एक आदमी मोटरसाइकिल पे जाता है, एक कार पे जाता है, झगड़ा करते हैं, दैट नॉट ए कम्युनिटी डिसीजन। हिंदू कम्युनिटी का कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि हम बौद्ध को यहाँ नहीं रहने देंगे, हम मुस्लिम को नहीं रहने देंगे, या सिख के नहीं रहने देंगे, एक इंडिविजुअल हो सकता है। मेरे पास अभी क्रिश्चियन उठ के गए हैं, तो अभी मैंने उनको यही कहा कि अगर आपको डर है, क्या आपने ये जिसको आप कहते हैं हिंदू, क्या उसका बजरंग दल से आपने बात की, कहते नहीं। मैंने कहा करिए, संवाद तो करना चाहिए, है ना। अगर आप कहते आर एस एस से खतरा, आर एस एस से बात कीजिए। अगर आपको लगता है वो आपको सही जवाब नहीं देते, तो हम उनको बुला के यहाँ आमने सामने बैठ कर बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई भी उनसे भी हमारी बात होती रहती है। दे ऑल वांट टू लिव इन पीस, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी टाइप ऑफ कन्वर्शन। कि इसको किसी को, हर आदमी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हर धर्म वाले को अपना धर्म भी मानना चाहिए, धर्म पे चलना चाहिए। एक राष्ट्र धर्म जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है राष्ट्रीय धर्म, वो ही माना जाएगा। जब धर्म और राजधर्म का क्लैश होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीमेसी मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे धर्म को प्रोटेक्ट करता है। ये बातें थोड़ी हमारी समझने वाली है। आई एम फुली विद यू, आई अश्योर यू, नॉट ओनली दिस मैटर बट ऑल अदर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। कोई भी इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये बुद्ध है, इसलिए नहीं। बाकी लोगों को रोजगार देना, एजुकेशन देनी, ये हम सबका काम है, मिलकर करें तो देश डेवलप होगा। लेकिन पीछे बैठे या एक कदम पीछे रहे कि हमें इज्जत नहीं मिल रही, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं आपके साथ हूं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल टेक अप दिस मैटर। टू थिंग्स यू मेंशन, एक तो यूपी में मिनोरिटी कमीशन में बौद्ध रिप्रेजेंट नहीं है, वो करवाए, और दूसरा ये बोध गया मंदिर का प्रबंध आपको मिले, इसके लिए 100% यस। ये बात तय की गई थी, जो बहुत पर्सनल लॉ है उस संबंध में यहाँ मीटिंग आमंत्रित करने के लिए पर्सनल को आप बनाए, जहाँ हमारे पीछे की ऊपर भी बात हुई थी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इट इज नॉट टू इंटरफेयर इन एनी रिलीजियस सेरेमनी ऑफ एनी भी। वो धर्म का जो सेरेमनी है उस पर कोई, अभी तो हम सिखों का आनंद मैरिज एक्ट लागू करवा रहे हैं, तो अगर बुद्ध पर्सनल लॉ कुछ बनता है ऐसा, तो हमें उसके लिए भी काम करने में कोई, आप ड्राफ्ट कीजिए, दीजिए, दिया है किसके पास है, आपको आपके यहाँ ऑफिसों भी दिया है, वहाँ दिवाली में भी दिया है, क्योंकि अभी ऐसा था कि कुछ बातें, जैसे तीन चीजें उनकी कॉमन होती है, एक है लॉ ऑफ डाइवोर्स, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ अडॉप्शन, सक्सेशन है, वही हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सक्सेशन हो गया। तो उसमें तीनों का ये समझते हैं कि यूनिवर्सल हो जाएगा, बाकी जो सेरेमनीज है वो अपनी अपनी। जहां कहीं लॉ ऑफ सक्सेशन में जैसे इस्लाम में है, वहां अडॉप्शन नहीं है, लेकिन रियलिटी तो है, अडॉप्शन होती है। तो उसमें जो इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के देश है, वो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये देखने वाली बात है। ये तीन चीजें, इट इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, जैसे मेरी इनहेरिटेंस हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, हर एक का हक है, बाप बेटे को जमीन देगा या बेटी को बराबर की जमीन देगा। अभी तक तो हम यही नहीं पहुंचे कि बेटी भी बराबर की हकदार, कानून बन भी गया, मानता कौन है, बाप ही नहीं डिसाइड करता कि मैं, हाँ जी, आई हैव टू गिव समथिंग टू माई डॉटर, इट इज नॉट द केस विद दी ससुराल की बात थोड़ी है, वो थोड़ी करता, बाप करता कि मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को, है ना। तो ये हमारा इंडियन माइंड सेट है स्लेव में।